काफ़ी लोगों के मरकरी में बैंक अकाउंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो लोग प्रोसेस ठीक से फॉलो नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस करके दिखाऊंगा, जिससे आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, टाइम टू टाइम एप्लीकेशन प्रोसेस चेंज होता रहता है, तो मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा। तो अगर फ्यूचर में कोई भी एप्लीकेशन में आपको चेंज दिखता है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंकित चंदेल। आई हेल्प एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन यूएसए फ्रॉम इंडिया। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस इन यूएसए। अब चलते हैं जल्दी से लैपटॉप स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं मर्करी बैंक एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, ये है होम पेज मर्करी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मर्करी इज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, नॉट अ बैंक। बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चॉइस फाइनेंशियल ग्रुप एंड इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट मेंबर्स FDIC। इसका मतलब ये है कि मर्करी खुद एक बैंक नहीं है। बैंकिंग सर्विसेज आपको मिलती हैं चॉइस फाइनेंशियल ग्रुप से और इवॉल्व बैंक एंड ट्रस्ट से। तो ये दोनों बैंक्स हैं बट मर्करी बैंक नहीं है। मर्करी बस एक मीडिएटर टाइप है जो इनकी सर्विसेज को ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो इट्स लाइक अ बैंक अकाउंट ओनली, बट पर्टिकुलरली मर्करी एक बैंक नहीं है। बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि FDIC से इंश्योर्ड है ये भी, तो आपका अमाउंट अप टू $2.5 लाख तक इंश्योर्ड रहता है मर्करी में भी। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको $250 का बोनस मिल जाएगा। तो मे बी दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, यू कैन कंसिडर दैट। अदरवाइज mercury.com तो है ही। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये होम पेज खुलेगा, यहाँ आप ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर गेट स्टार्टेड में आप देखेंगे आपका फुल नेम मांग रहा है, वर्क ईमेल और एक पासवर्ड डालना है। तो वर्क ईमेल में ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपनी का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आप अपना जीमेल वाला ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हम यहाँ डालेंगे अपना फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डालेंगे ईमेल एड्रेस। उसके बाद हम यहाँ क्रिएट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फिर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट एप्लीकेशन पर। अब यहाँ से मेन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का लीगल नेम डालना है, जैसे कोई भी LLC, तो मैं यहाँ पर टेस्ट LLC डाल देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में इज़ योर कंपनी एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ आप पढ़ लेना एक बार, बट अगर आप एक इंडियन हैं और USA में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना होगा, बस नन ऑफ दी अबव पर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। उसके बाद नेक्स्ट पेज ये खुल कर आएगा, पेट्रियट एक्ट डिस्क्लोजर, ये आप पढ़ लेना एक बार, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ आपको डालनी है अपनी कंपनी की थोड़ी सी डिटेल्स, नेम हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कंट्री, जो यूनाइटेड स्टेट्स ही रहने वाली है, क्योंकि आपकी LLC या C-Corp USA में ही होती है। फिर यहाँ आपको डालना है अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ आपको डालना है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN। तो जब आप कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो आपको ये डिटेल्स मिल जाती हैं, फॉर्मेशन सर्टिफिकेट एंड EIN। तो आप यहाँ पर अपना EIN डाल सकते हैं। अब इस फील्ड में आपको डालनी है अपनी कंपनी की वेबसाइट, देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा है ऑप्शनल, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी वेबसाइट यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि इससे इनके लिए इजी हो जाएगा आपके बिजनेस को वेरीफाई करना। मेन पर्पस इनका यही रहता है कि आपका बिजनेस अच्छे से वेरीफाई हो जाना चाहिए। ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी स्कैमर इनके बैंक में आकर अकाउंट खोले, तो इसलिए आपका बिजनेस वेरीफिकेशन अच्छे से हो जाना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर वेबसाइट डाल देंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के। अब ये नेक्स्ट फील्ड है कंपनी टाइप, यहाँ पर आपकी LLC है तो LLC सेलेक्ट कर लीजिए, C कॉरपोरेशन है तो वो सेलेक्ट कर लीजिए।
फिर इंडस्ट्री में आप अपने कंपनी की इंडस्ट्री सर्च कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी फील्ड में आपने कंपनी रजिस्टर करवाई है, जैसे ई कॉमर्स, आईटी, स्टाफिंग एंड रिक्रूटमेंट, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट फील्ड है टेल अस अबाउट व्हाट योर कंपनी डज। सो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर एक या दो वर्ड्स में आंसर दे देते हैं। जैसे ई कॉमर्स है तो बस लिख देंगे वी आर एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, या फिर वी सेल दिस प्रोडक्ट। अगर कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो यहाँ पर बस लिख देंगे वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन में आपको क्या करना है, डिटेल्ड आंसर्स देने हैं जहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब यहाँ अगर उसने पूछा है कि आपकी कंपनी क्या करती है, डिटेल में बताओ, पूरा बताओ, वी आर अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वी सेल दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो भी कस्टमर्स हैं वो टारगेट कस्टमर्स भी आप यहाँ पर लिख दीजिए। कि जैसे कुछ हो सकता है आपकी ट्रेनिंग कंपनी है तो आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, पर्टिकुलरली किस इंडस्ट्री में करते हैं, जैसे आईटी फील्ड के एम्प्लॉयज़ को करते हैं, तो वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो आपको डिटेल्ड वे में अपनी कंपनी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डालना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है व्हाट विल यू यूज़ योर अकाउंट फॉर, यहाँ पर भी आप थोड़ा डिटेल में लिख दीजिए। लाइक वी विल रिसीव पेमेंट्स फ्रॉम आर कस्टमर्स, वी विल पे टू आर सप्लायर्स फ्रॉम दिस अकाउंट, वी विल पे आउट टू आर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम दिस अकाउंट। मे बी आपके एम्प्लॉयज़ नहीं रहने वाले होंगे, हो सकता है, बट आप यहाँ पर लिख दीजिए कि लाइक हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे हम उनको भी पेमेंट इसी अकाउंट से करेंगे। तो उससे थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी कि आप एक्चुअली बिजनेस करने वाले हैं इस अकाउंट से। अब यहाँ ये पूछ रहा है मेजर इन्वेस्टर्स, तो अगर आपके बिजनेस के कोई भी इन्वेस्टर्स ऑलरेडी हैं तो आप यहाँ पर उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। My company is involved in cryptocurrency. तो अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, अदरवाइज इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको USA में बिजनेस रजिस्ट्रेशन या फिर टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वो भी फिल कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल हेल्प यू पर्सनली। अब नेक्स्ट पेज ये खुलकर आएगा, यहाँ आपको अपनी कंपनी का लीगल एड्रेस डालना है। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, कंपनी लीगल एड्रेस, जो भी आपका लीगल एड्रेस है यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद सिटी, स्टेट, जो भी जिप कोड है वो डाल दीजिए। अब यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अपने रजिस्टर्ड एजेंट का कैसे एड्रेस डालें, क्योंकि ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो लीगल एड्रेस में आपको रजिस्टर्ड एजेंट का ही एड्रेस डालना है। उसके बाद आपका फिजिकल एड्रेस ये नेक्स्ट फील्ड में मांग लेगा, बट वहाँ पर आप अपने रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस डाल दीजिए, क्योंकि लीगल एड्रेस तो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस ही होता है। उसके बाद फिर आएगा योर कंपनीज फिजिकल एड्रेस, देखिए यहाँ पर ये फिजिकल एड्रेस मांग रहा है। यहाँ आप अपने कंट्री का एड्रेस भी डाल सकते हैं, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, टू वेरीफाई योर एप्लीकेशन वी नीड टू नो द ऑफिस और रेसिडेंशियल एड्रेस वेयर यू डू मोस्ट ऑफ योर वर्क। तो अगर आप बिजनेस अपने रेसिडेंशियल एड्रेस से कर रहे हैं तो वो डाल दीजिए, इंडिया में अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस एड्रेस डाल दीजिए, बट आपको उस एड्रेस का एक प्रूफ भी देना होता है। तो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पासपोर्ट वाला एड्रेस डाल दीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे ये बस आपका पासपोर्ट ही एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ हम अपना इंडिया वाला एड्रेस डालेंगे, मैं ये एक डमी एड्रेस डाल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एड्रेस नहीं है या किसी का भी एड्रेस नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ लीगल नेम में मेरा नेम ऑलरेडी लिख कर आ गया, ईमेल एड्रेस भी लिख कर आ गया। अब ये पूछ रहा है जॉब टाइटल, यहाँ पर मैं अदर सेलेक्ट करके मेंबर लिख देता हूँ, क्योंकि कई सारी LLCs में मेंबर लिखा होता है। अगर आपने CEO, President जो भी लिखवाया है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ ownership percentage डालना है, तो अगर सिंगल मेंबर LLC है तो 100% डाल दीजिए, अगर मल्टी मेंबर LLC है तो जिसकी जैसे परसेंटेज है आप वहाँ पर डाल दीजिए, 50-50, 25-25, 25-25, जो भी है डाल दीजिए। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस सेक्शन में होगा आपका वेरिफिकेशन, वी नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू, दिस इंक्लूड्स वेरिफिकेशन विद अ लाइव फोटो
एंड अ फॉर्म ऑफ आईडी। प्लीज़ फिल दिस आउट और कॉपी द फॉर्म लिंक टू कंप्लीट ऑन अनदर डिवाइस। तो अगर आप मल्टी ओनर्स हैं तो यहाँ पे आपको ओनर्स ऐड करने पड़ेंगे, सबका ओनरशिप परसेंटेज डालना पड़ेगा और सारे ओनर्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर आप सिंगल ओनर हैं तो खाली सिंगल ओनर का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है, आई सर्टिफाई दैट आई हैव लिस्टेड ऑल को फाउंडर्स ओनर्स विद एटलीस्ट 25% स्टेक इन माई कंपनी। तो इस फील्ड को मैं बाद में फिल करूँगा, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो मैं आपको पहले पूरा एप्लीकेशन कर देता हूँ, फिर हम इस फील्ड पर आ जाएंगे वापस। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हमसे हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। तो यहाँ हमने फॉर्मेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, वायोमिंग आर्टिकल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका सी कॉर्प होगा तो आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या अपने स्टेट का जो भी आपके स्टेट का यहाँ पे फॉर्मेशन सर्टिफिकेट होगा अपलोड कर दीजिए। EIN इन्होंने वेरीफाई नहीं किया, ओके। यहाँ पर EIN भी आपको डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने नकली EIN डाला था। अगर आप अपना EIN सही वाला डालेंगे तो वो वेरिफिकेशन खुद हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर एक डमी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देता हूँ। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड एक्टिविटी, विल यू बी सेंडिंग और रिसीविंग मनी इंटरनेशनली। तो क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आप अपने इंडियन अकाउंट से यहाँ भेजेंगे पैसे और वहाँ के अकाउंट से इंडिया वाले अकाउंट में भी मंगाएंगे, तो यहाँ हमें यस ही करना पड़ेगा। इसको यस करेंगे और अब ये टॉप 3 करेंसीज पूछ रहा है, तो US डॉलर्स और इंडियन रुपीज़। अगर आप और किसी कंट्री से भी करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन्स तो वहाँ की करेंसी भी डाल दीजिए यहाँ पर। यहाँ एवरेज मंथली इंटरनेशनल वॉल्यूम, तो मैंने 0 to 10 के सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज है फॉलो अप क्वेश्चंस। डू यू करेंटली हैव US ऑपरेशंस, ईदर एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स और लोकेशंस। यहाँ पर बहुत सारे लोग यस सेलेक्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग नो आई डोंट प्लान टू सेलेक्ट कर देते हैं। बट इसका सही आंसर होगा नो बट आई प्लान टू इन द नेक्स्ट 6 months। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किसी और स्टेट में या वायोमिंग में ही, सिमिलर बिजनेस जो आप अब दोबारा से कर रहे हो, या फिर आपका किसी और बैंक अकाउंट के थ्रू आपका बिजनेस चल रहा है पहले से, अब आप मर्करी में ओपन कर रहे हो, तब आपको यस सेलेक्ट करना है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादातर वही लोग देखते हैं जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका ऑपरेशन अभी तक USA में नहीं होंगे। बट अगर आपने नो आई डोंट प्लान टू कर दिया तो ये आपको अकाउंट ओपन ही नहीं करके देंगे, क्योंकि जब आपको US में कोई ऑपरेशन ही नहीं करने हैं तो ये अकाउंट क्यों देंगे। तो आपको बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आई प्लान टू डू इन नेक्स्ट 6 months। अब ये पूछ रहा है विच ऑपरेशंस डू यू एक्सपेक्ट टू हैव बाय देन, नेक्स्ट 6 months में आप क्या ऑपरेशंस करना चाहते हैं स्टार्ट। तो मैं यहाँ सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट करूँगा क्योंकि कस्टमर्स ऑफ कोर्स मेरे होने वाले हैं USA में, चाहे नहीं भी होने वाले हैं बट मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। सेकंड में सेलेक्ट करूँगा एम्प्लॉयज़ और सप्लायर्स, चाहे हों या ना हों बट मैं ये तीनों सेलेक्ट कर दूँगा। क्यों? जिससे इनको लगना चाहिए कि मेरा बिज़नेस थोड़ा बड़ा होने वाला है, मैं US से एम्प्लॉयज़ हायर करने वाला हूँ, US से सप्लायर्स भी रखना चाहता हूँ, कस्टमर्स तो रहने ही वाले हैं। अगर खाली कस्टमर सेलेक्ट कर देंगे तो इनको लगेगा आप US का पैसा बाहर लेकर जा रहे हो, तो शायद ये रिजेक्ट कर दें, इसलिए मैं तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल योर फर्स्ट डिपॉजिट्स कम फ्रॉम, इन्वेस्टर्स, रेवेन्यू और सेल्फ। सो अगेन, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी USA में चल रहा है तो आप रेवेन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर प्रूफ मांगेगा, तो आपके पास रेवेन्यू के प्रूफ भी होने चाहिए USA में। थर्ड ऑप्शन है सेल्फ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो सेल्फ सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप जब सेल्फ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये आपसे बोलेगा कि इस ऑप्शन को सपोर्ट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करो, यानी कि आपने बैंक अकाउंट के 2 महीने का स्टेटमेंट अपलोड करो, दिखाओ आपके अकाउंट में कितना पैसा है। तो अगर आपका 50-60,000 अमाउंट भी है अकाउंट में तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। हाँ, एक चीज़, अगर आपके बैंक में लोन चल रहा है तो ट्राई कीजिए उस बैंक का स्टेटमेंट डालिए जिसमें लोन नहीं चल रहा है, क्योंकि लोन अमाउंट भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। एक क्लाइंट के साथ हमारे हुआ था ऐसा, उन्होंने लोन वाले बैंक का
स्टेटमेंट यहाँ पर डाल दिया और उनका अकाउंट रिजेक्ट हो गया। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन हमसे करवाया। हमने बस इतना चेंज किया, उनका जो ये स्टेटमेंट था हमने दूसरे बैंक का डाला। अब ये चीज़ मैंने नोटिस कर ली कि आपका तो यहाँ पर लोन चल रहा है। अब ये लोग सोचेंगे ना कि आपका तो 2-3 लाख रुपए का लोन चल रहा है, अकाउंट में 50-60 हज़ार रुपये पड़े हैं, आप बिज़नेस में कहाँ से लगाओगे, क्योंकि लोन की EMIs भी जानी है। तो उन्होंने दूसरे बैंक का स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका 3-4 लाख रुपये बैलेंस पड़ा था। तो उसके बाद उनका इमीडिएटली अकाउंट ओपन हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बैंक अकाउंट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई कीजिए, दो बार ट्राई कीजिए, फिर भी आपसे रिजेक्ट हो जा रहा है आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। आई नो समवन जो आपका एप्लीकेशन करेगा और आपका 100% अकाउंट ओपन होके मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फील्ड है वेरीफाई ऑफ फिजिकल एड्रेस। प्लीज़ प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशूड ID लाइक अ ड्राइवर्स लाइसेंस और अ बैंक स्टेटमेंट यूटिलिटी बिल फ्रॉम द पास्ट 60 डेज दैट क्लियरली शोज योर कंपनी नेम और पर्सनल नेम एंड दिस एड्रेस। अब यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी पासपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रखा, बट ये लोग पासपोर्ट एक्सेप्ट करते हैं। हमने किया है, बहुत बार एप्लीकेशन किया है और पासपोर्ट ही हमेशा अपलोड किया है। तो आप बेझिझक अपना पासपोर्ट अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर पासपोर्ट का एड्रेस वाला पेज भी खाली अपलोड कर देंगे तो भी चल जाएगा, पूरा पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट की PDF बनाइए, फ्रंट पेज और लास्ट पेज दोनों, और अपलोड कर दीजिए। खाली लास्ट पेज से भी हो जाएगा काम। Does your business have a website or online storefront? यहाँ पर अगर आप नो कर दोगे तो ये दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। देखो नो करके दिखाता हूँ। Is your business planning to launch a site in future? यहाँ अगर आपने नो कर दिया तो ये डेफिनेटली आपको रिजेक्ट कर देगा। यहाँ तो आपको येस ही करना है। What's the estimated launch date for the site? अब एस्टिमेटेड डेट डाल दीजिए, एक आध हफ्ते की, एक हफ्ता, दो हफ्ता, 3 हफ्ता, जितना भी आपको ठीक लगे डाल दीजिए। ज़्यादा आगे की मत डाल देना, 6-7 महीने की, बस एक आध हफ्ते की डाल दो। बट क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वेबसाइट डाली थी तो हम यहाँ पर येस कर देते हैं और अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप अपनी वेबसाइट पहले ही बना के रखो और यहाँ पर डाल दो, जिससे अकाउंट रिजेक्ट हो ही ना। इनको बिज़नेस वेरीफाई करने में आसानी हो जाएगी ना फिर। चलिए अब नेक्स्ट फील्ड पे आते हैं। हाउ डू यू यूजुअली रिसीव पेमेंट्स एंड व्हाट अदर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस डू यू एक्सपेक्ट टू फ्लो थ्रू दिस अकाउंट? तो आप पेमेंट्स कैसे रिसीव करने वाले हैं? डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, ACH, वायर, जैसे भी वो यहाँ पर लिखना है। ज़्यादातर ई कॉमर्स बिजनेसेस में पेमेंट गेटवेज के थ्रू ही एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वी विल रिसीव पेमेंट्स थ्रू पेमेंट गेटवेज सच एज स्ट्राइप, वी विल ऑल्सो सेंड मनी टू आवर सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम दिस अकाउंट, वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देखा, ऐसे पूरा डिटेल में लिखना है सेंटेंस बना के, ये नहीं स्ट्राइप, वायर, ACH, नहीं, पूरा सेंटेंस बना के अच्छे से लिखना है आंसर। प्लीज़ प्रोवाइड एग्जाम्पल लिंक्स टू दी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग और इंटेंट टू सेल। अब यहाँ पर आपको सैम्पल्स डालने हैं, तो जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनका आप लिंक लेकर डाल सकते हैं। आपकी खुद की वेबसाइट है तो वहीं से प्रोडक्ट्स के लिंक लीजिए और यहाँ डाल दीजिए। सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो सर्विस के लिंक्स लीजिए और यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद ऑल डन, हमने जो एक चीज़ छोड़ी थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और पहुँच जाएंगे ओनर प्रोफाइल्स पर। देखिए यहाँ हम आ गए, अब यहाँ हम क्लिक करेंगे आई फिल इट आउट। यहाँ हमें अपना सिटीजनशिप स्टेटस सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन रेसिडेंट, US के तो है नहीं हम। फिर डेट ऑफ बर्थ में हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालनी है मंथ, डेट और ईयर वाले फॉर्मेट में। उसके बाद पर्सनल नंबर इज सेम एज बिजनेस नंबर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, दोबारा नहीं डालना मुझे। फिर मेरा ये होम एड्रेस पूछ रहा है तो मैं फिर से कुछ भी एड्रेस डाल देता हूँ, बट आपको अपना रियल एड्रेस डालना है पासपोर्ट वाला। तो यहाँ हम एड्रेस डालेंगे जल्दी से। अब यहाँ ऑप्शन आ रहा है आइडेंटिफिकेशन, वेरीफाई आइडेंटिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग विंडो खुलेगी। पहले मैं बाकी चीज़ें फिल कर देता हूँ। पॉलिटिकल एक्सपोजर नो,
नीचे सोशल प्रोफाइल्स मांग रहा है, ये ऑप्शनल फील्ड है, तो अगर आपके पास लिंक्डइन अकाउंट वगैरह है अपना तो उसके लिंक यहाँ पर डाल दीजिए, जिससे इनको वेरिफिकेशन करने में आसानी हो आपकी। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे वेरीफाई आइडेंटिटी। देखिए ये एक पॉपअप आएगा, अब यहाँ मेरा नंबर आ गया। यहाँ मैं जब सेंड पर क्लिक करूँगा तो मेरे नंबर पर एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं अपना पूरा वेरिफिकेशन कर सकता हूँ फ़ोन से। अगर लिंक नहीं आ रहा है आपके पास तो आप यहाँ इस QR कोड वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं। अब इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा फ़ोन से। वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक अपने ID का फ़ोटो अपलोड करना है, यानी कि अपने पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करेंगे आप, जहाँ पर आपकी फ़ोटो होती है यानी कि फ्रंट पेज की। तो पासपोर्ट को रखिए अच्छे से वेल लिट एरिया में और वहाँ पर पिक क्लिक कीजिए, लाइव फ़ोटो क्लिक करनी होती है। उसके बाद ये आपसे बोलेगा एक सेल्फ़ी लीजिए, तो सेल्फ़ी आपको एक फ्रंट से लेनी है, एक लेफ्ट से लेनी है, एक राइट से लेनी है। उसके बाद सेल्फ़ी अपने आप ले लेता है, बस आपको अपना कैमरा सामने रखना है, आप सामने देखोगे, अगर लाइट अच्छी है तो ये अपने आप क्लिक कर लेगा। फिर आपसे बोलेगा लेफ़्ट देखिए, फिर आपको लेफ़्ट देखना है, फिर बोलेगा राइट देखिए, आपको राइट देखना है, और आपका वेरिफिकेशन डन हो जाएगा। तो जिस टाइम मैंने ये वेरिफिकेशन किया था, मैं एक वैलिड एरिया में नहीं था, तो इसलिए ये वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया। तो आपको ये वाला सिनारियो भी दिखा देता हूँ, अगर वेरिफिकेशन ऐसे रिजेक्ट हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, वी वर अनेबल टू एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ ID, प्लीज़ अपलोड अ US ड्राइवर्स लाइसेंस, US स्टेट ID कार्ड, परमानेंट रेसिडेंट कार्ड और पासपोर्ट इंसेट। तो यहाँ आपको अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करके पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है। मैं फिर से कुछ डमी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद ये बोल रहा है टेक अ फ़ोटो। जब यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके लैपटॉप से ही ये आपका वेरिफिकेशन करेगा। तो जब आप अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप सेव पर क्लिक कर सकते हैं और आपका एप्लीकेशन रेडी है। सीधा लास्ट में आ गए, अब यहाँ रिव्यू योर एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आप अपना पूरा एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं, जो आपने डिटेल्स डाली हैं एक बार चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो अग्री एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए और आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन के अंदर इनका रिवर्ट आ जाएगा, 2 से 3 वर्किंग डेज, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है तो आपका कोई रिवर्ट नहीं आने वाला। अगर आपने सैटरडे संडे में एप्लीकेशन सबमिट किया है, मंडे से ही काउंट होंगे आपके। मंडे से लेके वेडनेसडे थर्सडे के बीच में जब भी आपका एप्लीकेशन का रिवर्ट आएगा तो ये आपको बता देंगे। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ये आपको डिटेल सेंड कर देंगे वाया ईमेल, और अगर अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा तो ये आपको बता देंगे कि वी कैन नॉट अलाउ यू टू ओपन योर अकाउंट। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आप क्या कीजिए, एक और दूसरे ईमेल एड्रेस से दोबारा ट्राई कीजिए और थोड़ी सी डिटेल्स अच्छे से डालकर देखिए, कुछ चेंज करके देखिए, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह जैसे मैंने आपको बताया था बीच में। फिर भी अगर रिजेक्ट हो जाता है, 2 बार रिजेक्ट होने के बाद तीसरी बार ट्राई मत करना, फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वी विल हेल्प यू। मुझे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप किसी और बैंक में भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप रिले में कर सकते हैं, उसका भी ट्यूटोरियल वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।